उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी सपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में जुट गई। बसपा सुप्रीमो मायावती इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही। बीजेपी और सपा जहां अभी अपने उम्मीदवारों पर मंथन ही कर रही है, वहीं मायावती ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में भी उतारना शुरू कर दिया। बसपा ने अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से अमित वर्मा को अपना चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। बसपा में ये माना जाता है कि किसी सीट का प्रभारी नियुक्त किया जाता है वही पार्टी का उम्मीदवार होता है। पिछले चुनावों में ऐसा देखा भी गया। अमित वर्मा ने सोमवार को बसपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ मायावती से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके नाम पर मुहर लग गई। दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने जिस अमित वर्मा को कटहरी से चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, वो एक बार बसपा की हार की वजह भी बन चुके। अमित वर्मा ने साल 2012 में कांग्रेस में रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ा। तब बसपा की टिकट से लालजी वर्मा चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में अमित वर्मा को इतने ही वोट मिले कि बसपा के लालजी वर्मा हार गए। अमित वर्मा भी लालजी वर्मा की तरह पिछड़े समाज से आते हैं। वहीं सपा में भी लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट दिए जाने की चर्चा। हालांकि अब तक इस पर मुहर नहीं लगी। बीजेपी में भी अपने उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन हो रहा है, लेकिन मायावती इन सब से आगे निकल गई हैं और उन्होंने अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। 10 सीटों पर पूरी तैयारी पूरी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बस क्या नामों को लेकर भी चर्चा की गई है? 2 नाम तय हो गए हैं। मिर्जापुर में एक सीट है और एक फूलपुर की है, बाकी 8 नामों। बैठक में माननीय भाई जी संगठन के बारे में जानकारी ली और संगठन जो बताया था पहले उसकी पूरी लिस्ट तलब की और उपचुनाव की तैयारी के विषय में बताया। कटहरी के अलावा बसपा ने फूलपुर सीट से दलित प्रत्याशी शिवहरण पासी और मंजुआ सीट से ब्राह्मण चेहरे दीपू तिवारी पर दांव लगाया है। वहीं सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, जिसके लिए प्रभारियों की नियुक्तियां भी हो गई। इंडिया गठबंधन में 7 चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियां कर रही। सपा ने मझुआ, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी, मिल्कीपुर के प्रभारी नियुक्त कर दिए। शिवपाल यादव को कटहरी की जिम्मेदारी मिली, अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर, इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही अन्य नेताओं की भी जिम्मेदारियां तय की गई। तो वहीं बसपा ने पासी बिरादरी और ब्राह्मण समाज के जरिए अपना दांव चला है। मायावती ने रविवार को बैठक के बाद फूलपुर से शिववरण पासी और मझुआ सीट से दीपक कुमार तिवारी उर्फ दीपू को प्रभारी बनाया। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही हार को लेकर उपजी टीस को बीजेपी रामनगरी से ही एक बड़ा संदेश देकर मिटाना चाहती। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए कितना महत्व रखती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते सप्ताह भर से सीएम योगी रामनगरी का दूसरा दौरा कर चुके। इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी योगी के ही कंधों पर है। इसके साथ ही बाकी पार्टी के बड़े नेता उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।